अभिमन्यु घबराते हुए पूछता है, डायना क्या हुआ, ऐसे चीख क्यों रही हो? डायना हकलाते हुए डरते हुए अपने हाथ से नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो देखो अभी। जब अभिमन्यु अपनी नजरें नीचे करता है तो देखता है कि डायना के पैर पर एक बॉटफ्लाई बैठा हुआ था। उस बॉटफ्लाई को देखकर अभिमन्यु समझ गया था कि क्या हुआ होगा। जरूर बात करते वक्त उस बॉटफ्लाई ने डायना को काट लिया था, तभी उसके मुंह से एकदम से इस तरह चीख निकल गई थी। डायना अगले पल अपना दूसरा पैर पहले पैर पर कसकर रखती है और अपने पैर से मसल कर उस बॉटफ्लाई को मार देती है। अभिमन्यु डायना की फिक्र करते हुए उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना डायना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? डायना अपने मुंह पर से अभिमन्यु का हाथ हटाते हुए कहती है, हाँ अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, भूलो मत मैं एक डायन हूँ, कोई आम इंसान नहीं जो इस बॉटफ्लाई के काटने से मुझे कुछ हो। अभिमन्यु और डायना जिन झाड़ियों की आड़ में छुपे थे वो झाड़ियाँ कछिंदर और अंगूठे वाले आदमी के थोड़े पास थी पर काले साए से थोड़ा दूर। डायना की हल्की चीख के कारण झाड़ियों में हलचल पैदा हो गई थी जिसे कछिंदर और अंगूठे वाले आदमी ने नोटिस कर लिया था। वो दोनों अपने चारों तरफ देखने लग गए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हो कि वो हलचल किस तरफ से आई थी। अभिमन्यु और डायना की तो सांसें ही थम जाती हैं जब वो देखते हैं कि कछिंदर और अंगूठी वाला आदमी उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। डायना घबराते हुए धीरे से कहती है, अभी ये दोनों तो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम दोनों यहाँ पर छुपे हुए हैं। अभिमन्यु डायना को समझाते हुए कहता है, इन्हें देखकर लगता तो नहीं कि अभी तक इन्हें कुछ पता चला है, पर अगर तुम ऐसे मुझसे बात करती रही तो जरूर पता चल जाएगा, इसलिए थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो, शांति के साथ खड़ी रहो। अभिमन्यु के कहने पर डायना पलटकर कुछ नहीं कहती है, चुप ही खड़ी रहती है। पर जितना डर डायना को लग रहा था उतना ही अभिमन्यु को भी लग रहा था। उसकी घबराहट बढ़ गई थी, उसको भी पकड़े जाने का डर सताने लग गया था। कछिंदर और अंगूठी वाला आदमी उसी दिशा में एकटक दिखे जा रहे थे। अभिमन्यु और डायना दोनों के माथे पर पसीना आने लग जाता है, उनका बदन पसीने से तरबतर होने लग जाता है, पकड़े जाने के डर से उनका गला सूखने लग गया था। डायना की जान तो उसकी हलक में ही अटकी हुई थी। डायना की घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उससे रहा नहीं जाता और वो फिर धीरे से बड़बड़ाते हुए बोल पड़ती है, अब तो हम गए, अभी लगता है इन दोनों को पता चल गया कि हम दोनों यहाँ पर छुपे हुए हैं, देखो ना कैसे इसी तरफ घूरते जा रहे हैं। अभिमन्यु डायना से कहता तो कुछ नहीं, बस गुस्से के साथ उसे घूरने लग जाता है। अभिमन्यु की गुस्से से भरी आंखें देखकर डायना समझ जाती है कि वो उससे क्या कहना चाहता था, इसलिए वो खुद ही चुप हो जाती है। कछिंदर और अंगूठी वाला आदमी अभिमन्यु और डायना जिन झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे उस तरफ एकटक नजर करके देख ही रहे थे कि तभी काला साया गुस्से के साथ बोल पड़ता है, तुम दोनों अब तक यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा जाओ यहाँ से और वो लेकर आओ। जैसे ही कछिंदर और अंगूठी वाले आदमी के कानों तक काले साए की आवाज पहुंचती है वो दोनों तुरंत काले साए की तरफ देखने लग जाते हैं। कछिंदर और अंगूठी वाले आदमी दोनों के मन में यही चल रहा था कि वो काले साए को बताएं कि उन दोनों ने किसी लड़की की चीख सुनी थी, पर काला साया इतने गुस्से के साथ उन दोनों को घूर रहा था कि वो दोनों कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। काला साया फिर बोल पड़ता है, जल्दी जाओ यहाँ से, वैसे ही तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। कछिंदर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी काल स्वामी अभी जाते हैं। अगले ही पल कायर कछुआ दोनों एक साथ अपने कदम बढ़ाते हुए फर्श पर ही जो निशान बना हुआ था जिसमें आंख की पुतली के अंदर मूवमेंट हो रहा था उसके अंदर कूद जाते हैं। जैसे वो दोनों उस आंख की पुतली में कूदते हैं वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं, जैसे ही आंख की पुतली के अंदर से वो कोई दूसरी जगह पर चले गए हो, स्थानांतरण द्वार की तरफ। काला साया कहता है, जब तक ये दोनों आते हैं तब तक मैं अपनी शक्तियां बढ़ा लेता हूँ, अभी मुझे शक्तियों की और जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर काला साया अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है। डायना हैरानी के साथ फिर अभिमन्यु से पूछ पड़ती है, ये दोनों ऐसे कैसे उस आंख की पुतली के अंदर कूदते ही गायब हो गए, ये आखिर है क्या? अभिमन्यु डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये क्या ये तो मुझे नहीं पता डायना, पर जरा गौर से देखो जमीन पर ठीक वैसा ही निशान बना हुआ है जैसे ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर रूम नंबर 666 में फर्श पर बना हुआ है। डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभी ये तो बिल्कुल वैसा ही निशान है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इन दोनों के निशान में कोई कनेक्शन है? अभिमन्यु कहता है, कनेक्शन तो होगा ही डायना, तभी तो इस काले साए ने इस निशान को भी यहाँ पर बनाया है। ये काला साया बहुत चालाक है, जो भी काम करता है हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, पर इस निशान में क्या कनेक्शन होगा ये मेरे समझ नहीं आ रहा है।
डायना अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है, अभी कहीं ये स्थानांतरण द्वार की तरह तो काम नहीं करता। तुमने देखा ना, जैसे ही वो दोनों उसमें कूदे थे वो दोनों गायब हो गए थे, और ऐसा तो तभी होता है जब स्थानांतरण द्वार में कूदा जाता है। अभिमन्यु को भी डायना की बात ठीक लगने लग गई थी और वो उसकी बातों से सहमत होते हुए कहता है, डायना मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उस काले साए ने उन दोनों को कहां पर क्या काम करने के लिए भेजा होगा। डायना कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु का दिमाग चल जाता है और वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, डायना मुझे लगता है कि उस काले साए ने उन दोनों को ग्रेवयार्ड कोठी भेजा होगा। डायना हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछती है, अभी तुम कैसे कह सकते हो कि उस काले साए ने उन दोनों को ग्रेवयार्ड कोठी भेजा होगा? काला साया उन दोनों को कहीं और भी तो भेज सकता है। अभिमन्यु कहता है, क्योंकि डायना तुम्हें याद है ना, युग अक्सर कहता रहता था कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे काला साया वहां पर आता जाता रहता है। डायना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ अभी युग ऐसा कहता तो था। अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, तो बस डायना इसका मतलब ये है कि युग को वो सब वहम नहीं होता था, काला साया सच में कभी कभी वहां पर आता था, और मुझे तो लगता है कि वो काला साया इसी निशान के जरिए ग्रेवयार्ड कोठी में जाता होगा। ये निशान ही स्थानांतरण द्वार की तरह काम करता होगा। डायना कहती है, इसका मतलब उस काले साया ने अपने उन दोनों आदमियों को भी ग्रेवयार्ड कोठी भेजा है। अभिमन्यु कहता है, हाँ डायना वहीं भेजा होगा। डायना कहती है, पर काले साए ने उन दोनों को ग्रेवयार्ड कोठी क्या लाने के लिए भेजा होगा? अभिमन्यु कहता है, पता नहीं डायना, अब ये तो काला साया ही जानता है, पर मुझे लगता है जरूर इसने कोई सी ऐसी चीज लेने के लिए भेजी है जो कालगढ़ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। डायना धीरे से बड़बड़ाती है, ऐसी क्या चीज है जो कालगढ़ बनाने के लिए जरूरी है और ग्रेवयार्ड कोठी में रखी हुई है? अभिमन्यु चुप ही रहता है। डायना सोचते हुए कहती है, एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने अभी सुना था ना कि इस काले साए ने उन दोनों आदमियों से कहा था कि उन दोनों को वही काम करना है जो वो अमावस्या और पूर्णिमा की रात करते आए। इसका मतलब ये हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात ग्रेवयार्ड कोठी जाते हैं, पर क्या युग को ये बात पता नहीं चलती होगी? अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, यही बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही डायना, कि युग उस वक्त क्या करता है। तुम्हारे सवाल ने मेरे अंदर घबराहट पैदा कर दी है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं युग और बाकी लोगों की जान खतरे में ना हो। डायना चिंता में कहती है, तब तो हमें जल्द से जल्द वापस ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचना चाहिए अभी। अभिमन्यु कहता है, हम ग्रेवयार्ड कोठी जाएंगे डायना, पर उन दोनों आदमियों के आने के बाद। हो सकता है जब वो आए तब हमें पता चल जाए कि वो ग्रेवयार्ड कोठी में क्या लेने जाते हैं। डायना सहमत होते हुए कहती है, हाँ अभी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही करना ठीक लगता है, हमें उन दोनों के वापस आने का इंतजार करना होगा। डायना और अभिमन्यु झाड़ियों के पीछे ही छुपे रहते हैं और उन दोनों आदमियों के वापस आने का इंतजार करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद अभिमन्यु और डायना काफी देर से उन दोनों आदमियों के आने का इंतजार कर रहे थे, पर वो दोनों अभी तक नहीं आए थे। डायना धीरे से बड़बड़ाते हुए अभिमन्यु से कहती है, अभी वो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं, वो आज आएंगे भी कि नहीं? अभिमन्यु भी बड़बड़ाते हुए ही जवाब देता है, वो दोनों जरूर आएंगे डायना, बस उनका इंतजार करो। तुमने सुना नहीं था काले साया ने उनसे कहा था कि उन्हें 12 बजे से पहले आना है? डायना कुछ कहने वाली थी कि तभी काला साया, जो ध्यान में मगन था, वो अपनी आंखें खोल लेता है, जिस कारण डायना और अभिमन्यु एकदम शांत हो जाते हैं ताकि जरा सी भी हलचल ना हो और उस काले साये को उनकी मौजूदगी का एहसास हो। काला साया ट्रायंगल के अंदर बनी आग के निशान की तरफ देखने लग जाता है। उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो भी उन दोनों आदमियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगले ही पल फर्श पर बने आग के निशान से धुआं निकलने लग जाता है और आसपास सारी जगहों पर फैलने लग जाता है। देखते ही देखते उसके अंदर से धुएं के साथ ही काला लबादा पहने हुए कछिंदर और अंगूठी वाला आदमी निकलते हैं, जिन्होंने अपने हाथ में एक एक कांच की बोतल पकड़ी हुई थी। जैसे ही काला साया उन दोनों को देखता है, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। उन दोनों के बाहर आने के बाद आंख की पुतली में से धुआं निकलना बंद हो जाता है, साथ ही वो स्थिर भी हो जाती है। काला लबादा पहने हुए आदमी दोनों एक साथ अपना सिर झुकाते हुए काले साये से कहते हैं, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। काला साया उन दोनों को देखकर बस मुस्कुराते रहता है, उनसे कुछ नहीं कहता है। वो दोनों आदमी घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ आगे करके वो बॉटल काले साये को देने लग जाते हैं। जैसे ही अभिमन्यु और डायना की नजर उस बॉटल पर पड़ती है, वो दोनों समझ जाते हैं कि वो आदमी ग्रेवयार्ड कोठी से वो बॉटल लेकर आए हैं। उस बॉटल को देखकर अभिमन्यु को कुछ याद आने लग जाता है। अभिमन्यु हैरानी के साथ धीरे से कहता है, डायना ये तो वही बॉटल है जो अदृश्य कमरे में रखी हुई थी, पर काले साए ने इन दोनों से ये बॉटलें क्यों मंगवाई हैं? वो इन बॉटलों से क्या करना चाहता है? डायना भी परेशान होते हुए कहती है, पता नहीं अभी
ये काला साया इन बॉटलों से क्या करना चाहता है, पर तुम्हें पता है ना ये बॉटलें आम बॉटल नहीं है, अलग अलग शक्तियों से बनी हुई। ऐसी एक बिजली की शक्ति से बनी हुई बॉटल के अंदर तो काले साया ने कामेश्वरी यक्षिणी को कैद किया था। अभिमन्यु कहता है, हाँ डायना पता है, पर ये काला साया इन बॉटलों से क्या करना चाहता है, कामेश्वरी यक्षिणी को तो ये पहले ही कैद कर चुका है। अभिमन्यु और डायना के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि काला साया उन बॉटलों से क्या करना चाहता था। काला साया उन दोनों बॉटलों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। जैसे ही काला साया उन बॉटलों को छूता है, एक तेज हवा का झोंका आता है। वो हवा का झोंका इतना तेज था कि उस हवा के झोंके ने लबादा पहने हुए आदमियों का लबादा उनके चेहरे पर से कुछ पीछे हटा दिया था, जिस कारण उन दोनों का चेहरा दिखने लग गया था। जब अभिमन्यु और डायना उन दोनों आदमियों का चेहरा देखते हैं, तो बस बुद्ध बनकर देखते ही रह जाते हैं। उनकी उन दोनों के चेहरे पर से नजर ही नहीं हटती है। देखते ही देखते अभिमन्यु की आंखें नम होने लग जाती हैं। अभिमन्यु भावुक होते हुए नम लहजे के साथ धीरे से डायना से कहता है, देखा डायना, मैंने सही कहा था ना, ये कछिंदर हमारा कछुआ ही है। काले साय के सामने जो दो आदमी खड़े हुए थे वो कोई और नहीं, कछुआ और कायर ही थे। उन दोनों के चेहरे दिखने लग गए थे, जिसे अभिमन्यु और डायना एकदम साफ देख पा रहे थे। डायना भी खुश होते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये तो हमारी कछुआ और कायर ही है। हमारा कछुआ जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अभिमन्यु कछुए को देखकर जितना ज्यादा खुश हुआ था, उससे ज्यादा हैरान वो वहां पर कायर को देखकर हो रहा था। उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि कायर वहां पर क्या कर रहा था। अभिमन्यु कायर को वहां पर देखकर ये भी समझ गया था कि क्यों वो काला साया उस अंगूठी वाले आदमी को कछुए का साथी बोलकर बुला रहा था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कछुए का जिगरी दोस्त कायर ही था। अभिमन्यु टेंशन में धीरे से कहता है, ये कायर कछुए के साथ क्या कर रहा है, काले साई ने इसे कब पकड़ लिया। डायना भी परेशान होते हुए बोल पड़ती है, यही बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही अभी कि ये कायर यहाँ पर कैसे आया और ये इस काले साई का साथ क्यों दे रहा है, आखिर इसे हुआ क्या है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।